हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और जेईई मेंस में भी इससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि एनर्जी बैंड क्या होता है ना। देखो, जनरली क्या होता है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसी के द्वारा क्या किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन किसी सॉलिड में किसी सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो उसी एटम के ऑर्बिट में के द्वारा डिटरमिन नहीं किया जाता है। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो, जिसको हम एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो कई लेवल में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। और वो जो एनर्जी होता है वो किसके द्वारा डिटरमिन किया जाता है, जितने भी एटम्स सॉलिड में हैं उनके द्वारा डिटरमिन किया जाता है। तो जो एनर्जी लेवल स्प्लिट होता है और वो क्लोजली पैक्ड हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंड, एनर्जी बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। और उस एनर्जी बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, मूव करते रहता है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ एनर्जी क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस बाय, है ना, रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन is called energy band। ठीक है, क्या, energy band। समझ में आई बात कि किसी भी सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, जिस एटम में क्या एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसी के द्वारा डिटरमिन नहीं किया जाता है, और भी जितने एटम्स होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट लेवल में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, और उस लेवल, एनर्जी लेवल को जो क्लोजली पैक्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। जो है एनर्जी बैंड को दो पार्ट में क्या किया गया है, एनर्जी बैंड दो तरह के होते हैं, है ना, ठीक है, मेनली दो। ये को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड एंड इसको VB, और दूसरे को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड CB। तो एनर्जी बैंड जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जनरली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यदि हम देखो क्या करें, यदि ये एनर्जी है और यहाँ एनर्जी को क्या किया गया है, दो पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। देखो, समझ रहे हो ना, ये जो है ये ऐसे सोचो कि वैलेंस बैंड का क्या है, अपर लेवल EV जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, और इसके बाद क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन बैंड EC। ये इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड एंड दिस इज कॉल्ड क्या होगा, बैलेंस बैंड। इसको छोटा पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं VB, और इसको हम क्या बोलते हैं, CB, कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होता है, कंडक्शन बैंड और क्या होता है, वैलेंस बैंड, दो पार्ट में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एनर्जी गैप। बाद में हम आते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एनर्जी गैप या फॉरविडन एनर्जी गैप इसको बोलते हैं, बाद में हम आएंगे इसको देखेंगे। तो ये क्या है, EV को हमने क्या किया, बैलेंस बैंड का जो हायर एनर्जी लेवल है उसको EV से डिनोट किया है, और कंडक्शन बैंड का जो लोअर एनर्जी लेवल है उसको हमने क्या चीज से डिनोट किया है, EC से डिनोट किया। अब वैलेंस बैंड में क्या होता है, इन वैलेंस बैंड, या आप लिखोगे क्या कि इन वैलेंस बैंड
वैलेंस बैंड में क्या होता है, वनली क्या होगा, वनली वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। क्या होगा वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। और नो फ्लो ऑफ क्या होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, करंट ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Due to valence electron. Valence electron की वजह से क्या होता है, कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। वैलेंस बैंड जो अलवेज होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल होता है। क्या होता है, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। क्या होता है वैलेंस बैंड जो होता है वो, इसमें आई मीन वैलेंस बैंड में अलविज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ मटेरियल, मत किस टाइप का मटेरियल है, समझ में आया ना। तो वैलेंस बैंड में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आई मीन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड स्टेट में होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, इसलिए इनके वजह से करंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, फिल्ड होता है, एफ आई एल डी लिखना यार, ठीक। उसके बाद कंडक्शन बैंड जो होगा उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होगा कंडक्शन बैंड, वनली फ्री, वनली क्या होगा, वनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर क्या होगा, आर प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। हेंस क्या होगा, करंट इज, करंट इज वनली ड्यू टू फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ ड्यू टू फ्लो ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में और मे नट बी फिल्ड डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ क्या होगा, सॉलिड, टाइप ऑफ मटेरियल, है ना, टाइप ऑफ मटेरियल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए क्या होगा, कंडक्शन बैंड और क्या होगा, कंडक्शन बैंड जो होगा वो क्या होगा, आइदर क्या होगा, फील्ड होगा, और क्या होगा, क्या होगा, फील्ड नहीं भी होगा, आई मीन इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे और क्या होंगे, नहीं भी करेंगे, वो डिपेंड करता है कि क्या, वो डिपेंड करता है कि मतलब मटेरियल कौन सा है, कंडक्टिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है या सेमी कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। अब हम आते हैं क्या है कि एनर्जी गैप के बारे में पढ़ लें, क्या होगा कि एनर्जी गैप क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी गैप देखो, एनर्जी गैप एनर्जी गैप इसको इजी लिखें, ठीक है। अब देखो क्या होता है,
यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि एनर्जी जो बैंड होता है या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा क्या किया गया है कि कई पार्ट में देखो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। इसको ई वी से एनर्जी लेवल ऑफ हायर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड को हमने क्या चीज से डिनोट किया है, ई वी, ठीक है। और ये क्या होगा, लोअर एनर्जी बैंड, दिस इज क्या होगा, ई सी। समझ में आया ना, ये लोअर, दिस इज लोअर एनर्जी बैंड या एनर्जी ऑफ क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल ऑफ ई सी, सॉरी लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। दिस इज क्या होगा, ई वी क्या है, हायर एनर्जी लेवल ऑफ या हायर एनर्जी ऑफ क्या होगा, वैलेंस बैंड, ठीक है। इसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और इसको इनके बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई सी क्या है, पहले ही लिख देता हूँ, ई सी क्या है, लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। क्या है, लोअर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। उसके बाद क्या है, ईवी क्या है, हायर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है। तो एनर्जी गैप जो होता है वो ईजी इज इक्वल टू क्या होता है, ईसी माइनस क्या होता है, ईवी होता है, ठीक है। ईसी माइनस क्या होगा, ईवी। एनर्जी गैप इज इक्वल टू क्या होगा लोअर एनर्जी ऑफ क्या होगा, कंडक्शन बैंड माइनस हायर एनर्जी ऑफ क्या होगा, वैलेंस बैंड, इज कॉल्ड क्या होगा, एनर्जी गैप, या इसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन, क्या बोलते हैं हम, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। क्या होगा, एनर्जी गैप। अब एनर्जी गैप जो होगा, याद रखना है कि एनर्जी गैप डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन पहले क्या चीज में, नेचर ऑफ द क्या होगा, मटेरियल, ठीक है। क्या है मटेरियल, क्या है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, और क्या आएगा कि उसके बाद क्या होगा कि ऑल्सो डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर स्लाइटली, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, स्लाइटली ज्यादा, ऐसे नहीं है कि टेम्परेचर जब ज्यादा चेंज करोगे तो लिटिल बिट क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, लिटिल बिट क्या होगा, चेंज होगा। उसके बाद अब देखो, उसके बाद विड्थ ऑफ द क्या होगा, विड्थ ऑफ द क्या होगा, एनर्जी गैप is always measured in electron volt. क्या चीज में हम मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर करते हैं, क्या चीज में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। क्या चीज में मेजर करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि क्या होगा, लार्जर द क्या होगा, एक पॉइंट और याद रखना है कि लार्जर द क्या होगा, एनर्जी गैप, मोर टाइटली इलेक्ट्रॉन विल बी बाउंडेड विथ क्या होगा, बैलेंस बैंड, एंड लेस विल बी क्या होगा, कंडक्टिविटी, क्या होगा, लेस विल बी क्या होगा, कंडक्टिविटी। तो हम यहां लिख सकते हैं ग्रेटर द क्या होगा, ग्रेटर द एनर्जी गैप मोर टाइटली इलेक्ट्रॉन्स विल बी बाउंडेड
बाउंडेड विथ, क्या होगा विथ न्यूक्लियस एंड हेंस लेसर विल बी, क्या होगा लेसर विल बी कंडक्टिविटी। समझ में आया क्या? जितना ज्यादा ये गैप होगा उतना ही कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी कम होगी, ठीक है, क्या होगी उतने ही कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी कम होगी। अब इसके बेसिस पे क्या किया गया है, इसके बेसिस पे ऑन द क्या होगा विड्थ ऑफ द डिप्लेशन या एनर्जी गैप, ठीक है, जो मटेरियल है उसको क्या किया गया है, दो पार्ट्स में क्या किया गया है, थ्री पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू क्या है थ्री टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा एनर्जी गैप। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप सॉलिड इज क्या होगा डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स तीन टाइप्स में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। समझ में आया कि क्या होगा कि फॉर क्या होगा मेटल और कंडक्टर, क्या होगा फॉर मेटल और कंडक्टर, क्या होगा फॉर कंडक्टर, तो क्या क्या चीज में डिवाइड, वन में क्या है कंडक्टर, दूसरा क्या है सेमीकंडक्टर, और तीसरा क्या है इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर और क्या होगा इंसुलेटर। तो अब एनर्जी गैप के बेसिस पे क्या है, एनर्जी गैप के बेसिस पे क्या है मटेरियल को या सॉलिड को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड हम उसको क्या बोलते हैं इंसुलेटर, क्या बोलते हैं हम उसको इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है, क्या हम बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। अब देखो ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू क्या होगा थ्री टाइप्स। अब कौन कौन सा टाइप है ये देखो कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, और फॉर क्या होगा देखो फॉर कंडक्टर क्या होगा कंडक्टर फॉर इन क्या होगा इन या ऐसे लिख सकते हैं फॉर क्या होगा फॉर कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड क्या होगा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर ठीक है दैट इज एनर्जी गैप फॉर क्या होगा फॉर कंडक्टर इज जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है एनर्जी गैप होता है किसके लिए कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप जो होता है वो क्या होता है जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ यदि आप इसको ड्रॉ करोगे तो सिंपल क्या होगा ये क्या है देखो कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ए ई क्या है ईवी है, ठीक है ईवी, और आप तो ये आपका क्या हो जाएगा देखो ध्यान से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ये दिस इज क्या हुआ वैलेंस बैंड एंड दिस इज क्या हुआ कंडक्शन बैंड और दिस इज ईसी। समझ में आया ना, तो ये क्या हुआ कंडक्टर फॉर क्या होगा फॉर कंडक्टर
कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। आई मीन थोड़ा भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यूं बोल सकते हैं थोड़ा, इफ यू इंक्रीज लिटिल बिट टेम्परेचर, देन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल जंप इन टू द क्या होगा, कंडक्शन बैंड एंड दे विल बी अवेलेबल फॉर द कंडक्शन एंड हेंस द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज क्या होगा, वेरी हाई एज कंपेयर टू सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा, ऑफ सेमी कंडक्टर सॉरी कंडक्टर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर से क्या होगा, एनर्जी जो क्या होगा, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इधर एनर्जी लेवल लिख देना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज बैंड। तो ये बात समझ में आया। उसके बाद यदि मैं हम लोग किसके बारे में देखें, सेमीकंडक्टर के बारे में देखें, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि देखो, सेमीकंडक्टर के बारे में हम देखेंगे, क्या होगा, फॉर सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप इज क्या होगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कभी कभी क्या होगा, नियरली किसी किसी बुक में क्या है, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यही क्या है, ये भी हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा देता हूं, ये सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दिस इज क्या होगा, EC, ये तुम्हारा क्या होगा, दिस इज क्या होगा, वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। ठीक है, और ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस ये जो एनर्जी गैप है EG का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नियरली आप याद रखना, ये भी होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लेकिन नियरली जो होगा वो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होगा, इक्वल होता है। तो जनरली क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर कंडक्शन बैंड जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, एम्प्टी होता है। आई मीन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द कंडक्शन बैंड। एंड वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस बैंड में क्या होता है, ऑल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंप्लीटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट नोट में लिख सकते हो, ठीक है, कि नोट में क्या लिख सकते हो, नोट में कि एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड while valence band is क्या होगा, is completely filled
ठीक है, ये रूम टेम्परेचर की बात है। तो रूम टेम्परेचर पे आप क्या करोगे, आप देखोगे कि रूम टेम्परेचर पे यदि मैं देखो अब मैं ऐसे दिखा देता हूँ, एक छोटा ही बैंड कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये एनर्जी गैप ईजी जो होगा ये तुम्हारा क्या है, बैलेंस बैंड है। तो इसमें क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, फ्री होगा, आई मीन ई सी और दिस इज ई वी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर जो क्या होता है, ये समझ में आया ना क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर केवल क्या होता है, देखो दिस इज इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, वैलेंस बैंड जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, फील्ड होता है, व्हाइल कंडक्शन बैंड क्या होता है, खाली होता है, आई मीन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर सेमी कंडक्टर बिहेव लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर, किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह क्या होता है, बिहेव करता है, ये भी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक क्या होगा, लाइक परफेक्ट इंसुलेटर, ये तुमसे पूछा जा सकता है, क्या है, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। बट रूम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज क्या होगा, हायर टेम्परेचर इज हायर नहीं, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, देन क्या होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देन क्या होगा, देन कंडक्शन बैंड इज क्या होगा, इज पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, वाइल क्या होगा, वैलेंस बैंड पार्शियली क्या होगा, पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, रूम टेम्परेचर से थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पे क्या करोगे, उसका ये दिखाओगे तुम, है ना। उस सिचुएशन में क्या होगा कि, ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ होल भी आता है, देखो मैं बता रहा हूँ, यही बता देता हूँ तुमको कि बाद में थोड़ा उसके बारे में लिखें, समझ में आया ना। तो ये क्या होगा, देखो यदि ये वैलेंस बैंड है ईवी, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या होगा, देखो यहां से दिस इज क्या होगा, ईसी, अगेन दिस इज क्या होगा, एनर्जी गैप, ठीक है। देखो ये क्या है, अब देखो यहां क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब टेम्परेचर थोड़ा आप बढ़ाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और यदि एनर्जी गेन, उनकी एनर्जी गैप से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, देन दे विल जंप इन द क्या होगा, कंडक्शन बैंड एंड दे विल बी एबल फॉर द कंडक्शन, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि इस सिचुएशन में क्या होता है,
और हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा इसमें। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, होल। होल ये सर्कल जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, होल इंडिकेट कर रहा है, होल। तो इफ द ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर कंडक्शन बैंड इज क्या होगा, फील्ड, वैलेंस बैंड, पार्शियली फील्ड, एंड हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इस सिचुएशन में सेमीकंडक्टर जो होगा वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। होल जस्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है, ये वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज इसको बोलते हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है होल रखा गया है, ठीक है, क्या है, होल रखा गया है। इसके बाद समझ में आया, तो एनर्जी बैंड है, ये क्या हो जाएगा, कुछ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। जितने क्या होंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, होल्स होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आई मीन जीरो केल्विन से क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, टी जो है वो क्या है, जीरो केल्विन से क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ क्या होगा, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए क्या होगा, लाइक ए इंसुलेटर, सॉरी बिहेव लाइक ए कंडक्टर, ठीक है। अब हम आते हैं किसके लिए, अभी तो हम डिवीजन ही पढ़ रहे हैं, है ना, ये बहुत कुछ पढ़ना है। इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है, कि फॉर इंसुलेटर एनर्जी गैप इज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यदि एनर्जी गैप किसी भी सॉलिड में, देखो यही क्या है, वैलेंस बैंड है, और यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो टाइटली बाउंडेड होता है, ये ईसी हो गया, सॉरी ईवी, दिस इज ईसी। तो ये जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा आपका, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होगा, इवन हायर टेम्परेचर पे भी क्या होगा इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। आई मीन क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे भी क्या होगा, ये जो कंडक्शन बैंड है वो क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है, कंप्लीटली क्या होगा, एम्प्टी होगा। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी, जो मटेरियल का जो या सॉलिड का डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड इज डिवाइडेड इंटू अगेन 3 टाइप्स, ठीक है, क्या है, कंडक्टर, ठीक है, सेकेंड में क्या है, सेमीकंडक्टर, और थर्ड में क्या है, इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/ क्या होता है, रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज क्या होगा, इज कॉल्ड क्या होगा, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो
वन बाय वन हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कंडक्टिविटी। अब यहां देखो, फॉर कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है, इज वेरी हाई। यहां लिखना है कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज क्या होगा, इज वेरी हाई एज कंपेयर टू, एज क्या होगा, कंपेयर टू कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा, सेमीकंडक्टर एंड क्या होगा, इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टिविटी का जो वैल्यू होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, देखो ये नियरली, ठीक है, कंडक्टिविटी जो होगी, आई मीन सिग्मा से हम फॉर क्या होगा, कंडक्टिविटी सिग्मा क्या होगा, इस लाई बिटवीन क्या होगा, दैट इज, यहाँ लिख लेना, दैट इज सिग्मा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10^2 से क्या होगा, 10^8 MHO पर मीटर होता है। ठीक है, ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए, समझ में आया। उसके बाद रेसिस्टिविटी, अब देखो क्या होगा, जब आप क्या करोगे, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर क्या होगा, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करता है, क्या होता है, एज टी इंक्रीजेस क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीजेस एंड वाइसे वर्सा। ठीक है, समझ में आया ना, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी लो फ्रॉम क्या होगा, देखो 10^-2 टू क्या होगा, 10^-8 ओम मीटर, इस रेंज में क्या होता है, लाई करता है। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखना है कि एज वी इंक्रीज क्या होगा, देखो कंडक्टर के लिए मैंने बताया था कि रो इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन क्या होगा, एन ई स्क्वायर क्या होता है, टाउ। तो जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ क्या होगा, कम होगा, और रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एज वी इंक्रीज क्या होगा, टी क्या होगा, इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आना, टी इंक्रीजेस, रेसिस्टिविटी रो डिक्रीजेस एंड सॉरी रो इंक्रीजेस गलत बोल रहा हूँ रो इंक्रीजेस एंड टी जब क्या होगा, टी डिक्रीजेस, रो क्या होगा, रो डिक्रीजेस। ठीक है, एक किसके लिए है, इसके बाद इसमें करंट जो होगा, हाँ एक पॉइंट और तुमको बताना है यहाँ कि जनरली क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा, ठीक है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या होगा सिंस आप बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, इसको हम अल्फा, समझ में आया ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा इज क्या होगा, इज पॉजिटिव। ठीक है, किसके लिए, कंडक्ट, अरे रो इक्वल टू क्या होता है, रो नट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, या टी वेयर क्या होगा, रो नट क्या होगा, रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टिविटी
एट 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या होगा रेसिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये तुमको याद रखना है कि क्या होगा, जिस क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है बढ़ रहा है, उसके लिए अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो क्या होता है पॉजिटिव आता है। यहाँ से तुम देख सकते हो ये बढ़ रहा है तो अल्फा क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा मेटल में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन करंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है एक्स सॉरी कंडक्टर में, करंट इज ओनली ड्यू टू द क्या होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा करंट इज ड्यू टू क्या होगा फ्लो ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा कुछ ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, बस दो ही चीज। उसके बाद तुमको मालूम है कि ग्राफ भी मैंने जब पढ़ाया था वहां करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बताया था, अब वो आए चीज नहीं बताऊंगा। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, सेमीकंडक्टर ठीक है इसकी कंडक्टिविटी जो होगी क्या होगी द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी लाई बिटवीन क्या होगा कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर एंड क्या होगा एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच क्या होता है इसकी कंडक्टिविटी लाई होती है सेमीकंडक्टर की। इसकी कंडक्टिविटी जो है वो क्या है ये मैं बता दूं तुमको, सिग्मा जो है वो क्या है लिख देता हूँ 10^2 क्या है 5 टू क्या है 2×10^-6 mho पर मीटर। ठीक है, समझ में आया ना? उसके बाद याद रखना है कि इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होता है as t क्या होगा increases। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होगा increases and vice versa। ये क्यों होगा तुम बता सकते हो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही क्या होगा जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करेंगे एंड दे विल जंप इनटू द क्या होगा कंडक्शन बैंड, एंड हेंस क्या होगा जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आया ना? उसी तरह अब क्या करेंगे एज टी क्या होगा इंक्रीजेस रेसिस्टिविटी रो जो होगा वो क्या होगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस एंड वाइसे वर्सा। ठीक है, इसलिए फॉर क्या होगा सेमीकंडक्टर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी टेम्परेचर क्या होगा फॉर क्या होगा फॉर सेमीकंडक्टर कोएफिशिएंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज क्या होगा निगेटिव, क्या होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी जो होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी इंसुलेटर एंड क्या होगा कंडक्टर के बीच लाई करता है, उसके बाद क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर जब हम टेम्परेचर क्या करें कम करें इंक्रीज कराएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगी कम होगी। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ लिख सकते हो, देखो क्या होगा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा 1/ क्या होगा रेसिस्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब हम आते हैं क्या है इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर में क्या होगा कंडक्टिविटी इज क्या होगा वेरी लो। ठीक है,
रेसिस्टिविटी इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज स्लाइटली निगेटिव, आई मीन टेम्परेचर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। हाँ देखो अब क्या करेंगे, यहाँ याद रखना है वेरी लो, लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, हाँ यहाँ एक चीज़ कंडक्टिविटी इज वेरी लो, एंड क्या होगा एज एज क्या होगा टी इंक्रीजेस, ठीक है, सिग्मा क्या होगा इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है, टी इंक्रीजेस सिग्मा इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, टी क्या होगा डिक्रीजेस, ठीक है, सिग्मा डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। लेकिन ऐसे नहीं है कि टी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा ये इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद आप अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है क्या है, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी आई मीन क्या होगा रो इज क्या होगा वेरी हाई एंड क्या होगा एंड डिक्रीजेस एज क्या होगा एज टी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, समझ में आया ना। जब आप क्या करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगी कम होगी, ऐसा इसका रीजन भी है, ऐसे नहीं है, ऐसे भी तुम सोच सकते हो जो मैंने वहां बताया था तुम लोगों को, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था कि रो जो होता है वो क्या होता है एम अपॉन क्या होता है एन ई स्क्वायर क्या होता है टाउ। तो फॉर सेमीकंडक्टर के लिए हम क्या करते हैं टाउ कांस्टेंट मान लेते हैं, और ये क्या होता है बहुत ज्यादा रेट से क्या होता है इंक्रीज होता है, इसलिए रेजिस्टिविटी क्या होती है कम होती है, ठीक है, समझ में आया। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा वेरी हाई होगा एंड टेम्परेचर के साथ क्या होगा एंड हेल्थ क्या होगा डिक्रीज करेगा, इसलिए क्या होगा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर टेम्परेचर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज क्या होगा निगेटिव फॉर क्या होगा फॉर इंसुलेटर, ठीक है, फॉर क्या होगा इंसुलेटर, क्या होगा फॉर इंसुलेटर। उसके बाद हम आते हैं कि होल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि होल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप तो पढ़े ही हो। देखो क्या होगा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्या होगा होल्स, मैंने जैसा कि बताया था कि जैसे कोई भी क्या करो सेमीकंडक्टर ले लो तुम, है ना, सेमीकंडक्टर जनरली क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या चीज से जनरली जो कई दो तरह के सेमीकंडक्टर, एक वो होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जितने भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनको कंपाउंड सेमीकंडक्टर से मिलकर के कंपाउंड सेमीकंडक्टर को यूज करके बनाया जाता है। इसका रीजन भी होता है क्योंकि कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी एनर्जी गैप जो होता है नियरली 1.40 के अराउंड होता है, तो एज कंपेयर टू क्या होगा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो होता है उससे उनका क्या होता है जो एनर्जी गैप होता है वो ज़्यादा होता है। इसके वजह से जो डार्क करंट एक टर्म होता है, डार्क करंट जो होता है फोटो सेंसिटिव डिवाइस में क्या होता है वो ड्रॉबैक होता है कि बिना लाइट का भी क्या होता है करंट फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं डार्क बोलते हैं, डार्क करंट बोलते हैं। तो फोटो सेंसिटिव जितने भी डिवाइस बनाया जाता है उनको ये ध्यान में रखा जाता है कि डार्क करंट जो होना चाहिए वो एज मिनिमम एज पॉसिबल, आइडियल क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, समझ में आया ना। इसलिए जनरली कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो भी है उसको उसका यूज फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर है मान लो कि क्या है सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वो क्या है सिलिकन, सिलिकन से मिलकर के बनाया जाता है, कार्बन को यूज नहीं किया जाता है, ये तुम बता सकते हो
कि कार्बन को यूज क्यों नहीं किया जाता है। जनरली ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज करके सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, जैसे हुआ सिलिकॉन, जर्मेनियम जनरली यूज होता है, ठीक है। सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि जर्मेनियम का एनर्जी गैप जो है वो 0.7 या 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। उसको हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो लेकिन कार्बन यूज नहीं किया जाता है, तो ये आप सोच करके बता सकते हो कि कार्बन को सेमीकंडक्टर के लिए क्यों नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ होल का मत देखो यार, जैसे हमने मान लो कि सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है, सिलिकॉन से मिल करके बना होता है, या सिंपल ऐसे देखो सेमीकंडक्टर है, सिंपल बाद में हम आते हैं वहां। ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, ये एनर्जी गैप है, देखो बताया भी था तुमको, एनर्जी ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें, ये तुम्हारा ईवी है या इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ईसी, और दिस इज क्या हो गया, एनर्जी गैप, समझना है ना। और ये क्या होता है, एनर्जी गैप जो होता है नियरली क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। लेकिन यदि मैं सेमीकंडक्टर की बात करूंगा, इसके लिए तो नियरली तुम क्या लिख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, ठीक है, जनरली नियरली इक्वल है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एट 0 केल्विन ये सेमीकंडक्टर है, तो इनका ये जो वैलेंस बैंड है वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, वैलेंस बैंड कंप्लीटली क्या होगा, फिल्ड होगा, ये दिस इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अभी क्या है, एक कंडक्शन बैंड, क्या है, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है अभी सब क्या है, वैलेंस बैंड में क्या है, प्रेजेंट है, एट 0 केल्विन। यदि आप यहां देखोगे, जब थोड़ा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो ये क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड होल। टी जब क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 केल्विन, दिस इज क्या होगा, इज ईवी, एंड दिस इज क्या होगा, ईसी। अब यहां क्या होगा, देखो यहां से क्या हुए कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या किए, उनको एनर्जी मिला और इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर गए, कंडक्शन बैंड में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कंडक्शन बैंड में क्या हो गए, जंप कर गए, तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, होल, ठीक है। ये सर्कल जो है वो क्या बोलते हैं, इसको होल बोलते हैं, दिस इज तो कंडक्शन बैंड, दिस इज क्या होगा, वैलेंस बैंड, और दिस इज क्या होगा, एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड दिस एनर्जी गैप इज नियरली तुम लिख सकते हो क्या होगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो, देन कोई भी होगा, ये भी सही है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो देख रहे हो ना क्या होगा, कि यहाँ से क्या होगा, क्या हुआ, वैलेंस बैंड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो जब क्या होगा कि जब टेम्परेचर क्या होगा, ड्यू टू क्या होगा, थर्मल, और ड्यू टू रेडिएशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी, एंड क्या होगा, इट विल जंप इन द क्या होगा, कंडक्शन बैंड। तो डिफिशियंसी ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड इज कॉल्ड होल, क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड
इज कॉल्ड क्या होगा? होल। अब दो तीन पॉइंट कुछ लिखें, दो तीन पॉइंट लिखेंगे। दूसरे तरह से आप देख सकते हो कि मान लो कि सिलिकन से सेमीकंडक्टर बनाया गया है। देखो यहां क्या है, सिलिकन, 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 यहां भी सिलिकन, सिलिकन, देखो सिलिकन, सिलिकन है, ठीक है, समझ में आया। देखो यहां ये जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं ना, देखो ऐसे, ठीक है, देख रहे हो, समझ में आया ना, ऐसे ये बॉन्ड है। ये मत समझना कि ये क्या बना रहे हो आप, ये बेसिकली फोर बॉन्ड होते हैं ना सिलिकन में यार, तो मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से भी तुम समझ सकते हो, इधर भी और है, सिलिकन सेमीकंडक्टर है, ठीक है। देखो यहाँ क्या होगा, तुम देख सकते हो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो ना, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, फोर वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी जिसको हम बोलते हैं। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये सब बाउंडेड है न्यूक्लियस, बाउंडेड है ना यार, बाउंडेड है। अब आप सोचो कि इसमें क्या हुआ, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है ना, सिलिकन सेमीकंडक्टर, अब क्या हुआ कि यहां जो क्या है, यहां यहां जो इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या हुआ, देखो ये होल हो गया, ठीक है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या किया, यहां से निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्या क्रिएट हुआ, होल क्रिएट हुआ, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, होल, समझ में आया ना, क्या होगा, देखो यहां बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उसको एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर और सम अदर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेस, क्या होगा, बैलेंस बैंड, क्या बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, एंड क्या होगा, उसके वजह से क्या होगा, बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैलेंस बैंड से क्या जंप कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में, तो जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एक यहाँ क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी, उसी को क्या बोलते हैं हम, होल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, होल बोलते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज क्या हुआ, होल, ये सिलिकन सेमीकंडक्टर है, दिस इज क्या होगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहां से लिख सकते हो क्या होगा, मैं लिख देता हूं कि ड्यू टू क्या होगा, देखो ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, समझ में आया ना, ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी सच एज क्या होगा, टेम्परेचर, और क्या होगा, रेडिएशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सटर्नल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स जंप, जंप फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम कंडक्शन, सॉरी, जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू क्या होगा, कंडक्शन, कंडक्शन बैंड, ठीक है, एंड हेंस देयर इज ए हेंस देयर इज या देयर आर वैकेंसी, वैकेंसी क्रिएटेड इन द क्या होगा, इन द वैलेंस बैंड, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहां दिखाया है डायग्राम में कि ये तुम्हारा क्या है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, होल है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जंप कर गया है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, होल हो गया, ठीक है।
समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बॉन्ड बैंड इज कॉल्ड होल। ठीक है, होल इज ऑल्सो, होल इज क्या होगा, इट एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना है कि क्या होगी होल की, होल की जो इफेक्टिव मास ऑफ क्या होगा होल इज greater than effective mass of क्या होगा इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ क्या होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जबकि मोबिलिटी मालूम है ना, आगे हम देखेंगे कि मोबिलिटी ऑफ होल होल्स इज स्मॉलर देन क्या होगा देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होगा मोबिलिटी ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स, बात समझ में आया? तो ये आपको ध्यान देना है। तो होल जस्ट क्या होगा पॉजिटिव चार्ज की तरह, होल को हम क्या करेंगे ट्रीट करेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा निगेटिव चार्ज की तरह हम क्या करते हैं उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखो ध्यान से कि जनरली क्या होता है कि जो भी इसको हम क्या बोलते हैं प्योर, एक होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या होगा सेमीकंडक्टर, हम आते हैं कि देयर आर क्या होगा टू टाइप ऑफ क्या होगा सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होगा वो क्या होगा दो तरह का होगा। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे को क्या बोलते हैं डोप्ड सेमी कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक जनरली क्या होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है बहुत ही लो होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं डोपिंग का मतलब क्या होगा कि उसमें हम क्या करेंगे कुछ जो एलिमेंट को क्या करेंगे कुछ क्रिस्टल से क्या करेंगे जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम उसको क्या करेंगे रिमूव कर देते हैं और उनके प्लेस पे हम क्या करते हैं एक अदर एलिमेंट रखते हैं। तो अदर एलिमेंट रखने के लिए कंडीशन होता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं द एडिंग ऑफ क्या होगा इम्प्योर एलिमेंट्स इन द क्या होगा क्रिस्टल या इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग करने और जिस एलिमेंट को हम ऐड करते हैं उसको डोपेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको डोपेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है डोपेंट बोला जाता है। तो डोपिंग हम करते क्यों है
ये आपसे पूछा जा सकता है कि डोपिंग क्यों करते हैं, क्यों? क्योंकि प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ही क्या है, स्मॉल होता है, तो आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो यूज, उसका कोई यूज नहीं है। आप डायरेक्ट यदि कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करोगे तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होगी, तो उसका कोई यूज नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ इम्प्योर एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करके हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब डोपिंग करने वक्त दो चीज़ें ध्यान में रखी जाती है कि मान लो कि क्या है कि कोई भी क्रिस्टल बना हुआ है, तो क्रिस्टल पे जब हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को वहाँ से हम रिमूव करेंगे, तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना, फॉल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हम मान लो कि यहाँ सिलिकन है, सिलिकन को हटा करके और दूसरा कोई भी एलिमेंट्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा। अब मुझे एलिमेंट रखना है तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब एलिमेंट्स को हम रखें तो जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो कभी डिस्टॉर्टेड नहीं हो, आई मीन एज इट इज रहे, ठीक है, उसको एज इट इज क्या करना है, रखना है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो भी ड्रॉप एलिमेंट्स है उनका साइज जो होना चाहिए नियरली क्या होना चाहिए, साइज शुड बी नियरली इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिलिकन जर्मेनियम और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो एलिमेंट यूज किया गया है उनके साइज के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समझ में आना। इसलिए डोपेंट जो होता है वो जनरली क्या होता है, ट्राईवेलेंट एंड पेंटावेलेंट एलिमेंट्स को यूज करते हैं। ट्राईवेलेंट का मतलब क्या हुआ, बोरॉन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, है ना, तो उसको यूज किया जाता है। और पेंटावेलेंट का मतलब क्या हुआ, जनरली नाइट्रोजन नहीं यूज किया जाता है, फॉस्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, टीन हुआ, लेड हुआ, तो इसको यूज किया जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो डोपिंग करने के बाद क्या होती है, कंडक्टिविटी जो होती है वो नियरली 10^5 टाइम्स क्या होता है, सेमीकंडक्टर का इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, क्या होगा कि प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, लेस होती है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखो प्योर सेमी कंडक्टर और क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहला तो क्या है इसमें कि एक क्या होगा, आइदर क्या होगा, ये प्योरली क्या होगा, सिलिकन से मिलकर के बना होगा या जर्मेनियम से। देखो जैसे देख सकते हो यहाँ सिलिकन, ठीक है, सिलिकन, ठीक है, ये समझ में आया कैसे स्ट्रक्चर होता है यार, ये तुम केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, है ना। ये सिलिकन प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, ये जस्ट ये क्या है, बॉन्ड सिंबल दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो ये क्या है, होल है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड जैसे जस्ट बॉन्ड मैंने दिखाया है इस तरह, ठीक है। सब डॉट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जंप किया है, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दो तीन पॉइंट आप लिख सकते हो कि देखो कि प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पहला तो ये पॉइंट लिख लो कि फॉर क्या होगा, इन, इन क्या होगा, प्योर, प्योर सेमी कंडक्टर, कंडक्टर क्या होगा, इन प्योर सेमी कंडक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्या होगा, एंड होल्स, होल्स आर क्या होगा, आर सेम, ठीक है। आई मीन एन ई इज इक्वल टू क्या होगा, एन एच, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एन आई बोलते हैं, एन आई, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल क्या होता है, सेम होता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, प्योर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा, प्योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज वेरी स्मॉल, वेरी क्या होगा, लो, हैंस प्योर सेम, हैंस दे आर नॉट यूज्ड, दे आर नॉट यूज्ड फॉर द क्या होगा, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डोपिंग अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग में हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और तो इसको हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, कि डोपिंग क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के